दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टेक्नो वाइब्स और बेल आइकन को दबा के रही अपडेटेड सारे टेक रिलेटेड वीडियोस के साथ। तो कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग जो है कैट स्कैन या फिर सिटी स्कैन का नाम तो सुने ही होंगे। तो ये मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे एमआरआई स्कैनर्स के ऊपर में आपसे डिस्कस किया था, तो आज इस वीडियो पे मैं आपसे सिटी स्कैन या फिर कैट स्कैन के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मशीन कैसे वर्क करता है और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइस, मैं हूँ आयास, आप देख रहे हैं टेक्नो वाइब्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सीटी स्कैन या फिर उसे कैट स्कैन भी कहा जाता है। सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब ये जो है एमआरआई स्कैनर से बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि एमआरआई में जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके प्रोटॉन्स का एक्साइट करके जो है इमेजेस फॉर्मेशन किया जाता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे सीटी स्कैन या फिर कैट स्कैन में जो है यहाँ पे एक्सरे बीम को इस्तेमाल किया जाता है। अब एक्सरे जो है एक ऐसा टाइप का मतलब रे है, लाइट रे है, जो कि हमारे बॉडी के टिश्यूज से जो है आर पार हो जाता है सिवाय हमारे बोन्स के। तो एक्सरे आप जानते होंगे कि एक्सरे मशीन जो होते हैं या फिर एक्सरे स्कैनिंग जो होता है वो ज्यादातर बोन्स या फिर कार्टिलेज वगैरह के स्कैनिंग में काम दिया जाता है। जब बोन्स ब्रेक हो जाता है या फिर कोई अगर जब वहां पे प्रॉब्लम होता है तो वहां पे जो है एक्सरे किया जाता है। तो बस सीटी स्कैन भी जो है यहाँ पे एक्सरे बीम को ही यूज करके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इसे बनाया गया है। अब स्कैनिंग में क्या होता है, हम कोई भी बॉडी पार्ट या फिर कोई भी बॉडी ऑर्गन्स का जो है हम एक इमेज को जो है हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे हम डेटास निकालते हैं कि ये ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, लेकिन हम जो है उस ऑर्गन के इंटरनल पार्ट्स में जो है हम देख नहीं सकते। तो यहाँ पे काम में लिया जाता है सीटी स्कैन को। अब सीटी स्कैन क्या करते हैं, ऑर्गन्स का तो इमेज बनाते ही है, उसके साथ में ऑर्गन्स के अंदर का जो है इमेज बनाते हैं, जो कि हम लोग उसे स्लाइसेस कहते हैं। अब ऑर्गन्स को बिना काटे या फिर कोई भी बॉडी पार्ट को बिना काटे हुए हम उसके अंदर के प्रॉब्लम्स को जो है हम सीटी स्कैन के थ्रू से देख सकते हैं, जो कि एमआरआई स्कैनर्स में नहीं होते हैं। अब सीटी स्कैन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस के फॉर्म में या फिर अलग अलग एंगल से जो है एक ऑर्गन का या फिर कोई भी एक पार्ट का जो है इमेज लिया जाता है। मैं अगर इसके हिस्ट्री की बात करूं तो सीटी स्कैन जो है सबसे पहले 1967 में सबसे पहले सीटी स्कैन का मशीन बनाया गया था, और इसे बनाया था सर गोल्डफ्रे हॉर्न्सफील्ड ने। ठीक है, तो 1967 में जो है सबसे पहला कॉमर्शियल सीटी स्कैनर मशीन बनाया गया था। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, तो कंप्यूटर टोमोग्राफी या फिर सीटी स्कैन में जो है एक्सरे जनरेटर का इस्तेमाल लिया जाता है। आप जैसे यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं एक एक्सरे जनरेटर होता है जो कि एक्सरे बीम को प्रोड्यूस करता है, और वो जो है एक मतलब रोटेटिंग होता है, जो पेशेंट जो होते हैं सेम वो होल के अंदर में जो है, जैसे एमआरआई स्कैनर में एक होल होता है उसके अंदर पेशेंट को भेजा जाता है स्कैनिंग के लिए, वैसे ही सीटी स्कैन में भी जो है उसे एक होल के जैसे पार्ट होता है जिसके अंदर पेशेंट को रखा जाता है, और उसके चारों तरफ जो है वो एक्सरे जनरेटर जो है घूमता है। अब ठीक एक्सरे जनरेटर के ऑपोजिट साइड में जो होते हैं एक्सरे का जो रिसीवर्स होते हैं, ठीक है, जो एक्सरे जो इमेज को जनरेट करेगा वो उसे रिसीव करेंगे, एक्सरे बीम्स को रिसीव करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अब एक्सरे जनरेटर बॉडी के चारों तरफ घूमेगा, ठीक है, बीम छोड़ेगा, अब बीम जो है हमारे बॉडी के पार्ट से जो है गुजरेगा और रिसीवर जो है उसे रिसीव करके इमेज को फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे इमेज जो है डायरेक्टली फॉर्मेशन नहीं होता है, इमेज जो है एक पहले डिजिटल फॉर्मेट या फिर ग्राफिकल फॉर्मेट में जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं सिनोग्राम। ठीक है, अब ये सिनोग्राम जो है उसे बाद में फिर प्रोड्यूस करके डिफरेंट डिफरेंट एंगल का जो है इमेजेस बनाया जाता है। अब जब ये सिनोग्राम बन जाता है तब इमेज जो है कुछ पिक्सल्स के फॉर्म में जो है उसे ऑब्टेन किया जाता है, फिर बाद में जो है इन सारे पिक्सल्स को रेंडर किया जाता है और जो है पार्ट्स का 2D फोटोज या फिर 2D इमेजेस जो है उस पार्ट का या फिर स्कैन पार्ट का जो है वो फॉर्मेशन किया जाता है, जो कि डिफरेंट स्लाइसेस फॉर्मेट में होता है, यानी कि मतलब अलग अलग एंगल के फॉर्मेट में होता है, जो कि फिर आगे चल के डायग्नोसिस में उसे इस्तेमाल में लिया जाता है। अब कुछ एडवांस सीटी स्कैनर जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं इस सिनोग्राम को यूज करके 3D इमेज भी फॉर्म करने का, यानी कि आप तीनों तरफ से या फिर हर एंगल से जो है
कोई भी बॉडी पार्ट या फिर पूरे बॉडी का जो है वो इमेज को आप एक 3D फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। ये जो होता है एडवांस या फिर 3D सिटी स्कैनर्स में पॉसिबल हो पाता है, लेकिन नॉर्मल सिटी स्कैनर्स में हम 2D इमेजेस को ही ऑब्टेंड कर पाते हैं जो कि अलग अलग एंगल से इमेज को फॉर्मेशन किया हुआ होता है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। अब सिटी स्कैन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब सिटी स्कैन जो है ज्यादातर हेड के पार्ट में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हेड में कोई इन्फ्रैक्शन, कोई डैमेज, कोई ट्यूमर हो तो उस चीज को जो है डिटेक्ट करने के लिए जो है हेड का सिटी स्कैन किया जाता है। सिटी स्कैन जो है लंग्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लंग्स के प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए सिटी स्कैनर्स को इस्तेमाल में लिया जाता है। और वेनस, जैसे कि मैंने MRI में बोला था कि वहां पे आपके आर्टरीज को स्कैन करने के लिए MRI मशीन को इस्तेमाल में लिया जाता है, तो यहाँ पे वेन्स में कोई प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिटी स्कैन को भी काम में लिया जाता है। अब देखिए सिटी स्कैन जो है ये एक्सरे बीम को यूज करता है, तो ज्यादा अगर कोई पेशेंट को बार बार सिटी स्कैन के या फिर एक्सरे बीम में एक्सपोज किया जाए तो उसमें कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकता है। तो सिटी स्कैन जो होता है वो ज्यादा सेफ नहीं होता इन कंपैरिजन टू MRI स्कैनर्स। तो इसलिए जो है आजकल के टाइम में ज्यादातर इन केस ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज में जो है सिटी स्कैन से ज्यादा MRI स्कैन्स को प्रिफर किया जाता है उनके बॉडी पार्ट्स या फिर कोई भी पार्ट को एग्जामिन या फिर स्कैन करने के लिए MRI स्कैनर्स को ज्यादा प्रिफर किया जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव नहीं होते और ये बॉडी में ज्यादा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते इन कंपैरिजन टू सिटी स्कैनर्स। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से सिटी स्कैन या फिर कंप्यूटर टोमोग्राफी के ऊपर में कुछ नॉलेज हद तक जानने को मिल गई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह के टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। मैं हूं आया साइनिंग आउट, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे।